हेलो मान एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के हमारे कुछ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहली सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है 15 क्वेश्चनों की, आज से हम सेकंड सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से करना, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम के अंदर 100% आने वाले क्वेश्चन है, 100% एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द मिरर ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी है कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी है प्लेन मिरर एंड ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी बोथ, यानी कि कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर दो ऐसे मिरर हैं जो हमेशा ही वर्चुअल इमेज शो करेंगे। ठीक है जी, इसकी जो इमेजेस हैं वो हम आगे बनाएंगे, हमारा जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब इज। देखिए, जब एक लाइट नॉर्मली गिरती है लाइक दिस, जब एक लाइट नॉर्मली गिरती है ग्लास स्लैब के अंदर, तो बताना है कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 30 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। तो क्या रहेगा, देखिए जैसे ही लाइट नॉर्मली गिरती है तो जैसे आएगी लाइट वैसे ही चली जाएगी, कोई डेविएशन क्रिएट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस इज, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वो क्या होगा। पहले हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है नॉर्मल, अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। देखिए किस तरह से है, जैसे ही नॉर्मल रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, बैक मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर्स, की प्राइमरी कलर कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज फॉर्मड कॉज ड्यू टू, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का बनने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। देखिए, रेनबो में 7 कलर बनते हैं और जब भी 7 कलर बनते हैं, ये प्रिज्म में बनते हैं 7 कलर। जैसे एक वाइट लाइट आती है तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं, तो जब 7 कलर बनते हैं तो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और अगर एक सिंगल कलर बनता है तो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको 7 कलर दिखाई देंगे। इसकी पूरी डिटेल हम जो टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन टेक प्लेस उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्पेस अपीयर्स टू बी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं खगोलविद जिनको हिंदी में कहते हैं, जो स्पेस की सर्च करने जाते हैं, तो उनको आसमान किस कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लू कलर का, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। देखिए, जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो इन्वायरमेंट में ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पर धूल मिट्टी कण कोई गैसेस वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं होते। तो जब मॉलिक्यूल से लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो लाइट जो है वो स्कैटर नहीं कर पाएगी, डेविएशन नहीं हो पाएगी, तो किसी प्रकार का कोई कलर शो नहीं करेगी। तो दैट मीन्स उनको जो स्काई है वो किस तरह का दिखेगा, ब्लैक कलर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सफ़ेद रंग है
वो कितने रंगों से मिलकर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 कलर्स, ऑप्शन नंबर बी है 5 कलर्स, ऑप्शन नंबर सी है 6 कलर्स, ऑप्शन नंबर डी है 7 कलर। तो जो वाइट लाइट है उससे 7 रंग बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन द एक्ट ऑफ प्रिजम्स इज परफॉर्म्ड बाय, कि जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो प्रिज्म क्या चीज़ जो है वो प्रिज्म बन जाती है। देखिए जो रेनबो है वो कब होता है? बारिश के दिनों में, यानी कि जब बारिश आती है उसके बाद धूप निकलती है तो रेनबो होता है। तो ऑप्शन है ए डस्ट पार्टिकल्स, ऑप्शन बी मेटल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ऑप्शन डी गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि आँख का वो कौन सा भाग है जिसके अंदर जो लाइट एंटर करती है वो कंट्रोल की जाती है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी आईबॉल, ऑप्शन नंबर सी इरिस, ऑप्शन नंबर डी प्यूपिल्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्यूपिल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इन हाउ मच टाइम ऑफ द डेथ द आई मस्ट बी रिमूव्ड फॉर डोनेशन, यानी कि कितने समय के अंदर, डेथ के कितने समय के बाद आँखों को निकाला जा सकता है, डोनेट करने के लिए निकाला जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो 1 to 2 hours, ऑप्शन नंबर बी 4 to 6 hours, ऑप्शन नंबर सी 6 to 8 hours, ऑप्शन नंबर डी 8 to 10 hours। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 to 6 hours, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4 से 6 घंटे के अंदर ही आँखें जो होती हैं वो निकाली जा सकती हैं, इसके बाद आँखें जो हैं वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ट्रांसप्लांटेशन मीन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, यानी कि जब आँख को बदलना, जैसे कई बार कहते हैं ना आँख को बदला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ को बदलना होता है, आँख में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम बदल के दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी इरिस, ऑप्शन नंबर सी आई लेंस एंड ऑप्शन नंबर डी होल ऑफ आई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉर्निया। तो देखिए हमारी 2 आँखें हैं तो हमारे पास 2 कॉर्निया हैं, तो हम कितने व्यक्तियों को आँखें मतलब लगा सकते हैं, कितनी आँखें कितने व्यक्ति हमारी आँखों से देख सकते हैं, तो वो 2 व्यक्ति आँखों से देख सकते हैं क्योंकि 2 कॉर्निया होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉर्निया राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज इन ह्यूमन आई इज फॉर्मड ऑन, यानी कि ह्यूमन आई यानी कि आँख के अंदर प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनती है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर बनती है, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी इरिस, ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिक सेंटर ऑप्टिक नर्व्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेटिना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेटिना पर इमेज सीधी बनती है कि उल्टी बनती है, तो उसका आंसर रहेगा उल्टी बनती है। देखिए रेटिना पर जो इमेज है वो उल्टी बनेगी, लेकिन जो दिमाग है उसको उल्टा करके दिखाता है, तो इससे इसका मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा, सीधा दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रेटिना। तो इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, यानी कि वो कम से कम दूरी जिसको हम देख सकते हो, यानी कि वस्तु कितनी दूर होनी चाहिए कि हम उसको आराम से देख सकते हैं, यानी कि कितनी कम से कम दूरी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी आँखों से कितनी दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बिना किसी स्ट्रेस के हम देख पाएँ। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 25 सेंटीमीटर। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन के अंदर एक तो 25 सेंटीमीटर दे रखा होता है, एक 25 मीटर दे रखा होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर वाला ही ऑप्शन सही रहेगा। तो कई बार ये उलझा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन डज नॉट कॉज, जो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है
वो उसका कारण जो नहीं है, यानी कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो चीज़ नहीं होती है इनमें से, ऑप्शन नंबर ए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ऑप्शन नंबर बी एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी आपको पता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होएगा तभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होएगा, तारे टिमटिमाएंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है सनराइज और सनसेट का डिले होना या फिर एडवांस में आना, जैसे 2 मिनट का टाइम होता है कि एडवांस में सनराइज हो जाता है और इसी तरह सनसेट 2 मिनट के बाद होता है, तो इस तरह के जो एडवांस और डिले वाला टॉपिक है ये भी रिफ्रैक्शन का है। उसके बाद है रेडनिंग ऑफ द सन, सन का लाल दिखाई देना। अब देखिए जो सन है वो लाल दिखाई किसके कारण देगा, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देगा, न कि रिफ्रैक्शन के कारण। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। ठीक है, तो इसने पूछा था कि कौन सा रिफ्रैक्शन के कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी रेडनिंग ऑफ द सन इज द राइट आंसर। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस ड्यू टू फिनोमना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जहाँ भी वर्ड आपको मिलता है एक बात आप याद रखना कि वहाँ पर आपको सिंगल कलर शो होगा, यानी कि आप सिंगल कलर एक रंग की कोई चीज़ अगर आपको दिखाई देती है तो वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देगी, और अगर 7 कलर की दिखाई देती है तो डिस्पर्सन, तो ये बात आपको याद रखना है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण 7 रंग और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सिर्फ 1 रंग दिखाई देता है। तो देखिए चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ब्लू एंड ग्रीन कलर ऑफ द डीप सी, समुंदर का पानी नीला और हरा दिखाई देना, दैट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग, बिकॉज इसमें एक ही कलर शो हो रहा है ब्लू या फिर ग्रीन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग के कारण है। सी रेडनिंग ऑफ द सन, सूर्य की का लालिमा दिखाई देना, जैसे छिपता है और उगता है सूर्य तो लाल दिखाई देता है ना साइडों वाली चीज़ें, तो इसका मतलब ये तीनों स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। तो ये थे हमारे इस सीरीज़ के 15 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।